हेलो सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल तहमिना कुकिंग। तो आज हमें अपन के हाथ का थका अल्प किसी उपकरण दिए चिकेन टिका तैरी कर देखा। तो चलो देखे नहीं जो टिकाटा क्यों तैरि करी। तो भिडियो देखा शुरू से प्लिज एक लाइक दिए भिडियो देखा शुरू करबें और हमारे चैनल एखो जरा सबसक्राइब करें प्लिज सबसक्राइब कर पास वाले आइकने चपे दीबें तो परवर्ती भिडियो अपडेट हमारे पे जाते सबसक्राइब कर तक असंख्य असंख्य धन्यवाद। तो चिकेन टिका तैरि कर 300 ग्राम परमाणे मुरगर बुकर माँस माँसटा छोटो छोटो टुकड़ो कर भलोभवे धुए परिष्कार कर सकनी नहीं पानीटा एकदम भलोभ में जरिए नहीं माँसटा एक ब्लैंडार मगे नहीं ब्लैंड कर एकदम स्मूथ भावे माँसटा ब्लैंड कर ब्लैंडार मगे नहीं माँसटा तो हमें एन ब्लैंडारे मगे नहीं निल ब्लैंड कर माँसटा ब्लैंड कर निल एक बोलर मध्य डाले निब तो माँसटा एक शुकना शुकना कर ब्लैंड कर निल एखे टेबिल चामच परमाण आदा रसुन बाटा दिए दीची साथ ही इन एक चा चामच दिए दीची गरम मसलार गुड़ो स्वाद अनुजाई लवण हाफ चा चामच गोलमरिचर गुड़ो एक चा चामच दिए दीची टाला शुकना मरीचर गुड़ो साथ ही 4-5টা কাঁচামরিচ কুচানো আর 3টি পেঁয়াজ কুচানো দিয়ে দিচ্ছি সাথে এখানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণের লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি এখন সবগুলো আমি একসাথে একদম ভালোভাবে মাখিয়ে নেব তো মাংসটা আমি একদম ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়ে এখন এটা আমি 15 মিনিটের জন্য এটা আমি রেস্টে রেখে দিব তো এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটা আমি এক সাইডে রেখে দিচ্ছি तो 15 मिनट पर ढाकनाटा उठिए निची तो ढाकनाटा उठिए नहीं एखे हमें एक डिप पैंगे दिए दीची साथ ही एक टेबिल चामच परमाणे दिए दीची बेसन तो बेसन एक टेबिल चामच परमाणे बेसि दीते जा खेते भलो लगे ना तो एखे एकदम भलोभ माखिए निची तो ये माखान समय एक मानी ये एक आठालो टाइप ही एन माखान पर यह हाथ धुए इसे तरह हाथे एक तेल लागिए ये टिकागुलो बनाब तो एक हाथे तेल लागिए निल चूल एक पैनर मध्य एखे सामान्य परिमा तेल दिए तरह बेजे नहीं तो तेल परमाण एकदम बसि देवा लगे ना अल्प तेल यो भाजा जाए तो हमें एक मानी बनिए साथे साथ ही तेल मध्य दिए दीची तो ये एक चैप्टा कर मैं एक पतला कर देवर चेष्टा करबें तो हमें ये पर सबगुलो दिए दीची तो हमें टिकागुलो दिए दिल एगुल मीडियम आगो बेचे नहींब तो एक साइड हार पर एगुल उल्टी दीब तो उल्टी पाल्टी टिकागुल बेचे निची तो चूला हिट्ट एकदम बाड़ी दिए एगुलो बेचा जाए ना तो মানে নিচ থেকে পড়ে যাবে আর টিকাগুলো ভালোভাবে হবে না তো উল্টি পাল্টি আমার এই টিকাগুলো সুন্দর একটা কালার চলে আসছে এখন আমি তেলটা জড়িয়ে টিকাগুলো উঠিয়ে নেব তো টিকাগুলো উঠিয়ে এগুলো আমি সস দিয়ে তারপর পরিবেশন করছি तो হয়ে গিয়েছে হাতের কাছে থাকা অল্প কিছু উপকরণে চিকেন টিকার রেসিপি আর এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজ এই পর্যন্তই আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ।